बीजेपी सांसद सतीश गौतम की अभद्रता के भद्रता बदलने का प्रयास, मानने को अब जो बताने का प्रयास हो रहा उसकी भी सच्चाई सामने आ गई। बीजेपी एमएलए मुक्ता राजा के नाम से कथित चिट्ठी वायरल, चिट्ठी में लिखे शब्दों में कितना दम, उठने लगे यही सवाल। मुक्ता राजा के वायरल ऑडियो से वायरल पत्र की सच्चाई पर से उठा पर्दा तो दिमाग की हो गई बत्ती गुल। कुछ दिन पहले की बात है, एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में जो दृश्य दिखा उसको देखकर अलीगढ़ से सांसद सतीश गौतम की खूब खबर ली गई, तरह तरह की बातें बनाई गई। अब भाजपा सांसद सतीश गौतम ने मंच पर अपनी ही पार्टी की विधायक को असहज करने के मामले में नया मोड़ आया है। लेकिन उस नए मोड़ में जो हकीकत सामने आई, उस हकीकत पर एक ऐसा खुलासा हुआ जिसे जानकर सवाल करने वाले सवाल कर रहे हैं, क्या बीजेपी एमएलए मुक्ता राजा के साथ पूरी तरह से कोई खेल रहा है? क्या अपनी सोशल जिंदगी पर किसी और का अधिकार हो गया? यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस दावे को मुक्ता राजा के नाम से सबके सामने रखा जा रहा है, उस दावे पर ही बीजेपी एमएलए ने अपनी बात कुछ इस तरह से रखी कि जिसे सुनकर हैरानी कुछ इस तरह से हुई कि सवाल उठा, मुक्ता राजा के साथ ये क्या हो रहा है? जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। 30 सेकंड के ऑडियो में मुक्ता राजा ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर ऐसा लगा कोई है जो उनके अधिकार को अपने कब्जे में ले रखा है। वो ऑडियो आपको सुनाएंगे। लेकिन अलीगढ़ में बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने जो किया था उस पर बीजेपी एमएलए मुक्ता राजा के कथित वायरल पत्र में क्या लिखा है वो जान लीजिए। दरअसल बीजेपी सांसद सतीश गौतम के मामले में भाजपा विधायक मुक्ता राजा का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पत्र में बीजेपी एमएलए मुक्ता राजा ने बीजेपी सांसद सतीश गौतम को पारिवारिक छोटे भाई जैसा बताया। मुक्ता राजा कह रही हैं, जिस कार्यक्रम में वो मौजूद थी वहीं पर अलीगढ़ से बीजेपी के लोकसभा सांसद सतीश गौतम भी मौजूद थे, जिनसे मेरा पारिवारिक छोटा भाई जैसा रिश्ता है। वो मुझे बड़ी बहन जैसा व्यवहार करते हैं। क्योंकि इस कार्यक्रम में मेरे पति दिवंगत संजीव राजा का जिक्र किया जा रहा था जिस कारण से मैं बहुत भावुक हो गई थी, इसलिए सांसद जी उस भावुकता से निकालने में हंसकर मुझे तनाव से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे। मैं हिंदू हृदय सम्राट शेरदिल स्वर्गीय संजीव राजा की पत्नी हूँ। मेरे साथ अभद्रता करने का तो दूर, मुझे कोई गलत दृष्टि से देख भी नहीं सकता। अब जब मुक्ता राजा के नाम से ये पत्र वायरल हुआ तो हमने इसकी सत्यता की पड़ताल की, तो इसी दौरान बीजेपी एमएलए मुक्ता राजा से बातचीत का एक वायरल ऑडियो सामने आया। उस दौरान उन्होंने जो बात कही वो हैरान करने वाली है, आप भी सुनिए। भाभी नमस्ते। नमस्ते। अरे ये जो लेटर है ये आपके द्वारा जारी किया गया है? अरे मैं तो मथुरा हूँ भैया, मेरे बहन के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था। वो तो मुझे मालूम है, वो बच्चा आपका बहुत उसकी कुछ लेटर आपकी फेसबुक पर जारी हुआ, क्या इसको सही माना जाए गलत माना जाए? अब मुझे नहीं पता किसने क्या किया है, मेरी संज्ञान में नहीं है। इस ऑडियो की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन अगर ऐसा है तो वाकई में हैरान करने वाला है। सवाल यह है, मुक्ता राजा ने जब लेटर अपने फेसबुक से जारी नहीं किया तो उनके फेसबुक की आईडी किसके पास है जिसने मुक्ता राजा की इजाजत के बिना उसके नाम से लेटर पोस्ट कर दिया? आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल जी की जयंती पर कार्यक्रम में अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम शहर विधायक मुक्ता राजा के हाथ को छूकर और कंधे पर हाथ रखकर बातें करते नजर आए थे। इसके बाद विधायक को अपनी कुर्सी बदलनी पड़ी, वो दूसरी जगह जाकर बैठ गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद सोशल मीडिया पर सांसद सतीश गौतम के प्रति नकारात्मक टिप्पणी की जा रही थी। ये घटना 25 सितंबर की बताई गई। कोल विधायक अनिल पाराशर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर श्रीराम बैंकेट हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी शामिल हुए थे। सांसद सतीश गौतम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इसमें शहर विधायक मुक्ता राजा के ठीक बगल में भाजपा सांसद सतीश गौतम बैठे थे। सांसद पहले विधायक मुक्ता राजा के हाथ पर अपना हाथ रखकर कुछ बातें करते हैं, इसके बाद अचानक से विधायक के कंधे पर अपने दोनों हाथ रखकर मुस्कुराने लगते हैं। मंच पर कई अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे, भाजपा के अन्य पदाधिकारी भी थे। सांसद की हरकत से विधायक खुद को असहज महसूस करते नजर आए। कुछ ही देर बाद वो अपनी कुर्सी बदल लेती हैं, वो दूसरी जगह बैठ जाती हैं। बरौली से भाजपा विधायक ठाकुर जयवीर सिंह भी सांसद की हरकतों पर गौर करते नजर आते हैं। इस घटना के करीब 10 दिन बाद शहर विधायक मुक्ता राजा की ओर से लेटर जारी कर सच्चाई बताई गई। ये लेटर सोशल मीडिया पर वायरल है, हालांकि इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं है। पत्र में शहर विधायक मुक्ता राजा की तरफ से कहा गया है, जिस विषय को लेकर लोग चिंतित और परेशान है उसी विषय में उन्होंने बताया कि 25 सितंबर को जिस कार्यक्रम में उपस्थित थी वहीं पर अलीगढ़ लोकसभा के सांसद सतीश गौतम भी थे। उनसे मेरा पारिवारिक छोटे भाई जैसा रिश्ता है, वो मुझसे बड़ी बहन जैसा व्यवहार करते हैं। क्योंकि उस कार्यक्रम में मेरे पति स्वर्गीय संजीव झा जी का जिक्र किया जा रहा था, इस कारण वो बेहद भावुक हो गई थी, इसलिए सांसद उन्हें उस भावुक पल से निकालने का प्रयास कर रहे थे। शहर विधायक मुक्ता राजा ने पत्र में जिक्र किया कि वो हिंदू हृदय सम्राट शेरदिल स्वर्गीय संजीव झा की पत्नी है। मेरे साथ अभद्रता करना तो दूर, मुझे कोई गलत दृष्टि से भी देख नहीं सकता। स्वर्गीय संजीव राजा की शक्ति मेरे साथ है।